हेलो फ्रेंड्स, संगीताज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कुंभणिया भजिया बनाएंगे। तो कुंभणिया भजिया कैसे बनता है और उसमें कौन सा मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद में ये कुंभणिया बनाऊंगी। तो ये कुंभणिया भजिया में मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है फ्रेश गार्लिक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश गार्लिक लिया है, अदरक लिया है और ये है मीडियम वाली मिर्ची है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो यहाँ पे ये मिर्ची मैंने लिया है, उसके बाद लिया है फ्रेश धनिया एंड ये है लौकी। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है वो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुंभणिया में ये सारी चीज़ें डालना ही है। फ्रेश गार्लिक जो नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह आप ये सूखा वाला गार्लिक यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा वेजिटेबल को मैंने काट के मैंने रेडी कर लिया है। तो चलिए हम मसाला बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए एक बाउल लिया है। तो हम ये बाउल में सबसे पहले हम डालेंगे 1/4 कप जितना ये है फ्रेश गार्लिक है। तो मैंने फ्रेश गार्लिक को मैंने काट के रेडी कर लिया है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे फ्रेश धनिया डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इतना ही था फ्रेश गार्लिक, तो मैंने 1/4 कप डाला है। उसकी जगह पे 1 कप भी ऐड कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने 1-1 कप यूज़ किया है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे फ्रेश धनिया डालेंगे। तो उसके बाद हम उसमें डालेंगे ये है लौकी है। तो लौकी को मैंने एकदम बारीक बारीक मैंने कट किया है, मैंने लौकी को क्रश नहीं किया है, एकदम बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है। तो 1 कप हम लौकी डाल देते हैं। उसके बाद हम उसमें डालेंगे हरी मिर्च डालेंगे। तो 1 कप लिया है मैंने मिर्ची को, मैंने एकदम बारीक बारीक मैंने काट के रेडी कर लिया है। तो कोई भी मिर्ची आप यूज़ कर सकते हो। ग्रीन चिली आती है स्पाइसी वाली, वो नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा ये कुंभणिया और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कोई भी रेगुलर मिर्ची आप यूज़ कर सकते हैं, और शिमला मिर्च है वो भी नहीं डालना है। क्रश किया हुआ अदरक है वो हम डाल देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा मिक्स करके उसमें डालेंगे 1/2 स्पून जितना हम नमक डालेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने 1-1 कप डाला है। लहसुन की मात्रा मैंने थोड़ी सी कम रखा था क्योंकि मेरे पास इतना ही लहसुन था। आपके पास जो ज्यादा लहसुन है तो पूरा कप भर के डाल दीजिए। तो ये कुंभणिया में मेन फ्लेवर लहसुन, अदरक, मिर्ची एंड ये जो लौकी का होता है। तो ये सारी चीजें कुंभणिया में होती है। ये नींबू को कट करके ये कुंभणिया में हम डाल देते हैं। तो 1/2 नींबू में ये मसाला में निचोड़ देती हूँ, और ये खास करके उसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। 1/2 नींबू में उसमें निचोड़ देती हूँ। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें को हम मिक्स करके उसमें डालेंगे बेसन डालेंगे। तो अच्छे से हम ये मसाला को मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ, उसके बाद में 1/2 कप फिर से मैं डालूंगी। तो ये कुंभणिया में ज़्यादा बेसन यूज नहीं करना है। टोटल हमने 1 कप धनिया, 1 कप मिर्ची, 1 कप हमने लौकी एंड 2 टेबल स्पून जितना अदरक एंड 1/4 कप जितना हमने फ्रेश लहसुन डाला है। तो उसके सामने मैं 1.5 कप उसमें बेसन यूज कर रही हूँ। परफेक्ट तरीके से ये कुंभणिया बनाया है, आप इस तरह से जरूर ट्राई कर सकते हो। तो मैं 1/2 कप फिर से डाल रही हूँ बेसन का आटा। बेसन का आटा डालने के बाद हम अच्छी तरह से मसल के हम तैयार करेंगे। तो ये लौकी ही वो पानी छोड़ देते हैं, हमने लौकी, मिर्ची एंड धनिया डाला है उसमें से पानी छूटता है। तो ये कुंभणिया में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। बिना पानी से मैंने ये बेसन का डो मैंने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं उसमें इतना बेसन उसमें यूज़ करना है। मसाला है वो अच्छी तरह से दिखना चाहिए, उसमें सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, अजवाइन वगैरह बिल्कुल उसमें ऐड नहीं करना है। तो हमारा ये मसाला रेडी है। देखिए इस तरह से हाथ में ये मसाला लेके इस तरह से, जैसे हमको पकौड़ा बनाना आता ही नहीं है, इस तरह से हमको ये कुंभणिया बनाना है। कुंभणिया एकदम बनाना आसान है, मैं आपको फ्राई करते टाइम जरूर बताऊंगी। तो हमारा ये कुंभणिया बनाने के लिए हमारा मसाला एकदम रेडी है। तो दूसरी साइड तेल को भी मैंने गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है।
तेल हमारा है थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया है, तो गैस की फ्लेम में मीडियम कर देती हूँ। मीडियम फ्लेम पर यह कुम्बड़िया को फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले हम ये कुम्बड़िया का मसाला हम हाथ में लेके हम ये छोटे छोटे पकौड़िया बनाते हैं। इस तरह से ये कुम्बड़िया को बनाना है, उंगली से इस तरह से मसाला डालना है। तो आप देख सकते हैं कुम्बड़िया है थोड़ा सा लाल जैसा हो रहा है। तो इस तरह से हो जाए तो समझ लीजिए कि तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया है। तो ये हमारा तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो अभी गैस की फ्लेम एकदम मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हम ये कुम्बड़िया को फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये कुम्बड़िया है वो ज़्यादा लाल हो जाएगा तो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने फ्रेश लहसुन धनिया एंड मिर्ची डाला है, वो जल जाएंगे और टेस्टी बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस तरह से लाल हो जाए तो समझ लीजिए कि ज़्यादा ही तेल गर्म हो गया है। तो गैस की फ्लेम लो एंड मीडियम फ्लेम पर ये कुम्बड़िया को फ्राई कर लेना है। फर्स्ट वाला हमारा ये लाल हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा कुम्बड़िया को हम परफेक्ट तरीके से हम फ्राई करेंगे। तो ये कुम्बड़िया को हम फ्राई करने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम दूसरा कुम्बड़िया को परफेक्ट तरीके से हम फ्राई करेंगे। तो ये कुम्बड़िया को फ्राई करते टाइम जरूर ध्यान में रख के गैस की फ्लेम हम मीडियम एंड लो फ्लेम पर हमें ये कुम्बड़िया को फ्राई कर लेना है। तो कुम्बड़िया को कैसा रखना है, क्रीमी टाइप का और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन जैसा हो जाए तब तक ये कुम्बड़िया को फ्राई कर लेना है। तो लीजिए मैंने कुम्बड़िया को फ्राई कर लिया है, तो ये कुम्बड़िया को हम निकाल देते हैं, एक प्लेट में हम निकाल देते हैं। तो अभी गैस की फ्लेम मैंने मीडियम पर रखा है, तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है, दूसरा कुम्बड़िया को हम परफेक्ट तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने ये मसाला हाथ में लेके इस तरह से ये मैं कुम्बड़िया बना रही हूँ, आप देख सकते हो ये मसाला उंगली से इस तरह से डाल देना है, तो ये हमारा परफेक्ट हमारा कुम्बड़िया बनेगा। देख ही सकते हो कि ये कुम्बड़िया डालने के बाद ये बिल्कुल लाल जैसा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हो जाए तो समझ लीजिए कि तेल का टेम्परेचर हमारा एकदम परफेक्ट है। तो बस इस तरह से जो कुम्बड़िया को फ्राई करेंगे तो खाने में भी टेस्टी लगेगा और हमारा ये कुम्बड़िया है वो परफेक्ट तरीके से फ्राई होगा। तो बस हम ये कुम्बड़िया को मीडियम फ्लेम पर अभी हम कुम्बड़िया को फ्राई कर लेते हैं। तो ये कुम्बड़िया की रेसिपी मैंने एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से मैंने बनाया है, आप बिना टेंशन लीजिए इस तरह से ये रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हो, परफेक्ट कुम्बड़िया बनेगा। और ये कुम्बड़िया में एक्स्ट्रा मसाला डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये कुम्बड़िया में सिर्फ नमक एंड नींबू का जूस ही डालना है, शुगर वगैरह उसमें ऐड नहीं करना है और अजवाइन भी उसमें नहीं डालना है। तो आप इस तरह से रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो परफेक्ट कुम्बड़िया आपका बनेगा। कुम्बड़िया है वो क्रीमी टाइप का एंड थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन जैसा हो गया है, तो बस इस तरह से ये कुम्बड़िया को फ्राई कर लेना है, ऐसा हो जाए उसके बाद ये कुम्बड़िया को निकाल देना है। तो मैंने पहले बताया था कि क्रीमी एंड थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए वैसा फ्राई करना है, तो वैसा ही हमने ये कुम्बड़िया को फ्राई कर लिया है। तो इस तरह से हम दूसरा कुम्बड़िया को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ये रेसिपी को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आप जरूर शेयर कर सकते हैं। और मेरी जो दूसरी चैनल है संगीतास वर्ल्ड हेयर स्टाइल करके, उसको भी आप जरूर देख सकते हो और उसमें भी आपको नया नया हेयर स्टाइल का वीडियो देखने को जरूर मिलेगा। और ये रेसिपी को मैंने जो मेजरमेंट से मैंने बनाया है इस तरह से आप जरूर फॉलो करके बनाना और ये 100% एक कुम्बड़िया अच्छा बनेगा। तो ये हमारा कुम्बड़िया हमारा
फ्राई हो गया है। अब देख सकते हो हमने सारा का सारा कुंभणिया को मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये कुंभणिया है, 3 लोग आराम से खा सकते हैं। ज़्यादा जो बनाना है तो आप ये इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने यूज़ किया है, वो आप बढ़ा सकते हो ज़्यादा बनाना है। लीजिए मैंने ये एक प्लेट में मैंने कुंभणिया को सर्व कर लिया है। उसके साथ लिया है टोमेटो केचप, ये है खट्टी मीठी इमली की चटनी, और उसके बाद ये लिया है मैंने धनिया एंड फ्रेश लहसुन की चटनी है। तो ये कुंभणिया है वो हम फ्रेश धनिया एंड ये लहसुन की चटनी के साथ भी हम खा सकते हैं, और ये टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, और ये खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ भी हम ये कुंभणिया को खा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।